हाँ तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भाई? अर्णोराज की। अर्णोराज के बारे में हमने देखा था, अर्णोराज के जो पुत्र था जगदेव, कौन था? अर्णोराज। अर्णोराज, अर्णोराज का पुत्र था कौन? था जगदेव। कौन था भाई? जगदेव। जगदेव इसकी, अर्णोराज की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है, कर देता है। ठीक है, इसे क्या माना जाता है इतिहास जगत में? जगदेव को पितृहत्ता शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? पितृहत्ता शासक माना जाता है। ठीक है, और जो ये इसके बाद अर्णोराज के बाद जो शासक बनता है मेरे साथियों, वो शासक बनता है जगदेव। कौन बनता है? जगदेव शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है भाई? अजमेर का जो शासक बनता है कौन बन जाता है? जगदेव बन जाता है। और ये 1155 से लेकर, कहाँ से लेकर? 1155 में अर्णोराज की हत्या कर देता है। अर्णोराज की हत्या करने के पश्चात 1158 तक ये शासक रहता है। कहाँ तक रहता है भाई? 1158 तक ये शासक रहता है। और 1158 तक शासक होने के पश्चात प्यारे दोस्तों लगभग 3 साल तक शासक बनता है, लेकिन कोई विशेष काम इसके द्वारा नहीं करवाया जाता, कोई विशेष उल्लेख इसका नहीं मिलता। इसके बाद हम जो जिक्र कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, किसकी जिक्र करने जा रहे हैं? विग्रहराज चतुर्थ। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? विग्रहराज चतुर्थ की बात करने जा रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ की बात करने जा रहे हैं। विग्रहराज चतुर्थ ये शासक बनता है, और ये शासक बनता है प्यारे दोस्तों 1158 में शासक बनता है। कब बनता है भाई? 1158 में शासक बनता है, और 1163 तक शासक रहता है। 1158 से लेकर 1163 तक शासक रहता है, 58 से लेकर 63 तक शासक रहता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा जाता है ये बड़ा विद्वान व्यक्ति था प्यारे दोस्तों, बहुत विद्वान व्यक्ति था, सुशासन व्यवस्था चलाने वाला था, और सभी क्षेत्रों में कहा जाता है दृढ़ और इंटेलिजेंट आदमी था। इंटेलिजेंट आदमी कैसे भाई? इसी को विशल देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विशल देव भी कहा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? विशल देव भी कहा जाता है, ध्यान देव। तो विग्रहराज का उपनाम की बात करें, उपनाम क्या है? विशल देव। विशल देव क्या? विशल देव भी इसे कहा जाता है। उपाधि की बात करें, उपाधि इसकी, उपाधि की बात करें तो कटी बांधव या कवि बांधव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटी बांधव या कवि बांधव कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। ठीक है, कवि बांधव, कवि बांधव, बांधव या कटी बांधव, ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसकी उपाधि क्या है? कवि बांधव या कटी बांधव कहा जाता है। और ये जो उपाधि है इसको जयानक ने दी। किसने दी भाई? जयानक ने। जया चलेगा भाई, कवि बांधव या कटी बांधव कहा जाता है, ये किसने कहा? ये जयानक के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि भाई? कवि बांधव या कटी बांधव की इसका उपनाम मिलता है विशल देव, और विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। और चर्चाएं करें तो क्या क्या देखने को मिलता है पर साथियों, ये इसका जो शासनकाल है, किसका शासनकाल पर दोस्तों? चौहान शासकों में इसका शासनकाल, यानी कि पृथ्वीराज, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल कहलाता है। समस्त चौहान शासकों में विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके शासन की बात करें तो कहा जाता है कि इसका, इसने दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ में लेख लिखवाया था। दिल्ली शिवालिक जो स्तंभ था उस पर कहा जाता है, पहले ये स्तंभ कहाँ? शिवालिक में था, शिवालिक की पहाड़ियों में था, शिवालिक में हुआ करता था, लेकिन इसे दिल्ली लाया जाता है, और लाए जाने के पश्चात यहाँ पर यह अशोक का स्तंभ लेख माना जाता है प्यारे दोस्तों। पर कुछ लाइनें की लिखवाता है, ये कौन लिखवाता है? विग्रहराज चतुर्थ। और यहाँ से इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त तो होती है। किसके बारे में? विशलदेव के बारे में या विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। इस लेख से हमें जानकारी प्राप्त तो होती है कि इसे विष्णु का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? किसे? विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है लेख में। दिल्ली का जो शिवालिक लेख है इसमें विष्णु का अवतार बताया गया है। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। और चर्चाएं करें तो कहा जाता है कि इसमें
गजनी के शासक को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद कहा जाता है कि यहाँ का जो गजनी का शासक हुआ था वो कुसरो शाह था। कौन था भाई? कुसरो शाह जो गजनी का शासक हुआ करता था, उसको पराजित करने का भी श्रेय इसको जाता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या क्या जानकारियां मिलती हमें इसको जानकारियों को लिखते हुए चलते हैं। इसका समय, इसका समय चौहान शासकों का, चौहान शासकों में स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। चौहान शासकों का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासन काल? भी विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है स्वर्ण काल के कहलाता है। और बात करें, इसने इसने दिल्ली शिवालिक, दिल्ली व शिवालिक जो स्तंभ लेख लिखवाया, स्तंभ लेख लिखवाया, स्तंभ लेख लिखवाया दिल्ली व शिवालिक, स्तंभ लेख लिखाया जिसमें कहा जाता है कि इसे विष्णु का अवतार कहा गया। क्या कहा गया भाई इसे? इस लेख में विग्रहराज को, लेख में विग्रह राज को, विग्रहराज चतुर्थ को है ना, विष्णु का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया है? विष्णु का अवतार कहा गया। इस लेख में या इस स्तंभ लेख में कहा जाता है कि इसको, प्यारे दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब जानकारियां हमें मिलती है कि इसने गजनी के शासक कुसरो शाह को पराजित किया था। इसको पराजित किया था भाई? गजनी के शासक कुसरो शाह को पराजित किया था इसने, गजनी के शासक कुसरो शाह, शासक कुसरोह को पराजित किया। कुसरो शाह को पराजित करने वाला कौन सा शासक माना जाता है? ये प्रथम चौहान माना जाता है, यानी कि गजनी को, शासक को पराजित करने वाला प्रथम चौहान शासक माना जाता है। कौन माना जाता है भाई? आपका विग्रहराज चतुर्थ। और बात करें, अजमेर में कहा जाता है इसके द्वारा संस्कृत पाठशाला, जिसे क्या कहते हैं, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसने क्या करवाया था? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है एक स्कूल माना जाता है। ये क्या माना जाता है भाई? एक प्रकार का स्कूल माना जाता है, जहां पर काफी सारे विद्वान आश्रय दाता थे, या फिर इसके द्वारा कई सारी व्यवस्थाएं की गई थी भाई। स्कूल व्यवस्था निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर के स्थान पर 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 2.5 दिन में निर्मित हो गई थी, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है। कुछ मानते हैं कि यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं। ठीक है, ये 16 खंभों पर निर्मित है, इस कारण इसे 16 खंभा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे 16 खंभा महल भी कहते हैं। यहां पर ही कहा जाता है हरी केली नाटिका, जो किसके द्वारा लिखी, हरी केली नाटक जो है वो लिखा गया था। हर केली नाटक या हर केली नाटिका जो लिखी गई थी, वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। और इसके द्वारा लिखा गया तो इसकी कुछ लाइनें यहाँ पर संस्कृत जो पाठशाला है इसमें भी लगी हुई है, यानी कि लिखी हुई है संस्कृत पाठशाला में। कुछ लाइनें कहा जाता है कि इसमें कि कुछ लाइनें
राजा राम मोहन राय की जो समाधि बनी हुई है ब्रिस्टल में, लंदन में, कहा जाता है कि वहां पर भी इसकी कुछ लाइनें लिखी हुई है हर केली नाटिका की। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर संस्कृत पाठशाला की बात करें, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला क्या नाम था? संस्कृत कंठा भरण पाठशाला का निर्माण किसने करवाया भाई? का जो निर्माण है, निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। किसने करवाया? विग्रह राज चतुर्थी, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था भाई? अजमेर में। कहाँ करवाया? अजमेर में। कहाँ पर करवाया इसका निर्माण? अजमेर में करवाया जाता है। और अजमेर में करवाने के साथ ही बात करें, कहा जाता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या जानकारियां हमें देखने को मिलती है इसकी बात करें तो, इसको तुड़वाने का कार्य जो किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर के स्थान पर स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो जॉन मार्शल कहते हैं कि मार्शल कहते हैं कि ये बनकर तैयार ढाई दिन में हो गई थी, इस कारण इसे क्या कहते हैं, इसे ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं। ठीक है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है, यह राजस्थान राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। तो जॉन मार्शल कहते हैं, जॉन मार्शल कहते हैं इसका निर्माण ढाई दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ? ढाई दिन या ढाई दिन में हुआ। इस कारण क्या कहते हैं इसे, इस कारण क्या कहते हैं इसे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स लगता है। आरसी ब्राउन के अनुसार शाह पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है ढाई दिन का, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ढाई दिन का। तो पारसी ब्राउन के अनुसार, किसकी बात करें, पारसी ब्राउन के अनुसार, पारसी ब्राउन के अनुसार यहां पर ढाई दिन का पंजाब शाह का पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, उर्स यानी मेला, उर्स लगता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं या ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं, क्योंकि यहां पर पीर पंजाब शाह का ढाई दिन का झोपड़ा, सॉरी ढाई दिन का
उर्स लगता है यानी कि मेला। उर्स का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, उर्स का मतलब भी मिलन ही होता है और मेले का मतलब भी मिलन ही होता है, मिलने का जो स्थान मेला कहलाता है प्यारे दोस्तों। तो कहा जाता है कि यहाँ पर इस उर्स के टाइम पर अर्थात इस ये उर्स है जो 2.5 दिन का लगता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं। और बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि और क्या कंडीशन होती है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद सबसे प्राचीन और परिष्कृत नमूना माना जाता है, इसे 16 खंबा मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, 16 खंबा मस्जिद भी कहते हैं इसे, इसे 16 खंबा महल या मस्जिद भी कहते हैं, कहते हैं। 16 खंबा होने के कारण कहा जाता है इसे 16 खंबा मस्जिद या महल भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी है किसके बारे में, 2.5 दिन के चलिए प्यारे दोस्तों आगे बात। ये तो 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद हो गई, इसे तुड़वा देता है कौन, तुड़वा देता है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा देता है। अब बात करते हैं हर केली नाटक, हर केली नाटक क्या है, ये एक प्रकार का नाटक है भाई, इसके द्वारा इसकी रचना की बात करें, रचना किसके द्वारा की गई, ये रचना की गई विग्रहराज चतुर्थी द्वारा, विग्रह राज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा इसकी रचना की जाती है किसकी, हर केली नाटिका की। यह संस्कृत, इसकी भाषा की बात करें कि भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है भाई, संस्कृत भाषा में इसका इसको लिखा गया है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसमें किरात यानी कि शिकारी और शेष जो शेष है शिव अर्जुन के, कहा जाता है कि हरि केली हरियाली अर्जुन यहाँ पर हर केली नाटिका है, और हर केली नाटिका किसका संवाद है भाई, किसका यहां पर बात करें जो हर केली नाटिका है इसकी कुछ पंक्तियां कहां पर लिखी हुई है, वहां पर कहां पर प्यारे दोस्तों, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में लिखी हुई है, इसकी कुछ पंक्तियां, इसकी कुछ पंक्तियां, कि कुछ पंक्तियां 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद में लिखी हुई है, झोपड़ा मस्जिद में लिखी हुई है, लिखी है क्या, कुछ पंक्तियां, इसकी कुछ पंक्तियां कहां पर, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी लिखी हुई है, इसकी कुछ पंक्तियां, कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर लिखी हुई है, समाधि कुछ पंक्तियां कहाँ लिखी हुई है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर लिखी गई है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलेगा आगे बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थी की, विग्रहराज चतुर्थ की जो रचना है इसके समय विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित जो ग्रंथ माने जाते हैं, तो संबंधित ग्रंथ विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित ग्रंथ की बात करें, विग्रह राज चतुर्थ से संबंधित ग्रंथ,
यहां पर देखिएगा, एक जो ग्रंथ है ललित विग्रह राज, जिसको सोमदेव ने लिखा, ललित विग्रह राज, ये रचना किसने की थी? सोमदेव ने, किसने की? सोमदेव के द्वारा इसकी रचना की गई। इसकी रचना किसके द्वारा की? ललित विग्रहराज ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई भी? इसमें एक प्रकार का प्रेम प्रसंग का वर्णन है प्रति इस काल विग्रहराज, और कहा जाता है कि इंद्रपुर की राजकुमारी विशलदेव की जो प्रेम कथा है इसमें लिखी हुई है। कहा जाता है कि एक प्रेम का ग्रंथ माना जाता है, और इसमें ये भी जानकारी मिलती है कि ये प्रेम का ग्रंथ माना जाता है, या प्रेम संबंधों की जानकारी मिलती है, अर्थात विग्रहराज के प्रेम संबंधों की जानकारी देने वाला या इसकी प्रेमिका की जानकारी देने वाला ग्रंथ भी माना जाता है। उसके पश्चात बात करें तो विशलदेव रासो, ये विशलदेव रासो है प्यारे दोस्तों, ये किसका रचना है? विशलदेव रासो, विशलदेव रासो जो रचना है ये है ललित नरपति नाल, नरपति नाल, जिस दोनों ग्रंथ कहा जाता है किससे संबंधित माने जाते हैं? ये विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित माने जाते हैं, और ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है इसमें कहा जाता है, ग्रंथ में विग्रहराज और इंद्र कुमारी की विशल देवी की जानकारी मिलती है, अभी बताया मैंने, ठीक है। नरपति नाल ने कहा जाता है कि इसमें राजमति और विशलदेव के मध्य प्रेम के जानकारी मिलती है, ये भी एक प्रेम ग्रंथ माना जाता है, और कहा जाता है कि राजमती जो कन्या थी कहाँ की प्यारे दोस्तों, ये राजा भोज की परमार शासक था राजा भोज, उसके प्रेम कहानी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसमें विशलदेव की प्रेम कहानी का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम इनके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में ललित विग्रहराज के बारे में लिखता हूँ। ललित विग्रहराज, विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? रचना सोमदेव द्वारा, सोमदेव द्वारा, ठीक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई भाई? सोमदेव द्वारा इसकी रचना की जाए। और देखिएगा यहाँ पर ललित विग्रहराज की जब चर्चाएं कर रहे हैं, इसमें जो जानकारी मिलती है हमें, किसकी जानकारी मिलती है? इंद्र कुमारी और विशलदेव के प्रेम की जानकारी मिलती है सोमदेव द्वारा रचित इस ग्रंथ में। चलिएगा इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ व इंद्रपुरी की राजकुमारी कुमारी देसल देवी, देसल देवी ये प्रेम की जानकारी मिलती है, प्रेम कहानी मिलती है, ठीक है। ये प्रेम प्रसंगों की जानकारी यहाँ से, या प्रेम कहानी यहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों, ठीक है, या प्रेम संबंधों का विवरण इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और किसकी चर्चाएं कर रहे हैं हम? विशलदेव रासो, विशल देव रासो, विशलदेव रासो जो ग्रंथ है की रचना की बात करें, रचना नरपति नाल ने की, नरपति नाल, नरपति नाल नामक इतिहासकार ने इसकी रचना की, ठीक है। और उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो परमार राजकुमारी की, परमार राजकुमारी यानी कि परमार राजा भोज हुए उसके पुत्री, परमार राजकुमारी या परमार राजा भोज की पुत्री राजमती, और राजमती और विशलदेव इनके बीच के प्रेम प्रसंग की जानकारी यहाँ, या प्रेम संबंधों की जानकारी यहाँ मिलती है। ये भी एक प्रेम ग्रंथ ही माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे दोस्तों,
परमार शासक राजा भोज की पुत्री में परमार परमार शासक राजा भोज की पुत्री रूपमती रूपमती राजमती राजमती व विशलदेव विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम संबंधों की जानकारी मिलती है। प्रेम की जानकारी ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। अब कहा जाता है इसे चार भागों में विभाजित किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। इसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे धर्म घोषसूरी। कौन था? धर्म घोषसूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगा दी, पर रोक लगा दी थी प्यारे दोस्तों, पशु हत्या पर लगा दी थी। तो ये जैन साधु हुआ करते थे, या कहा जाता है कि शैव धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। धर्म घोषसूरी के कहने पर विग्रहराज ने विग्रह राज ने धर्म घोष धर्मघोष सूरी के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। क्या? धर्मघोष सूरी के कहने पर किस पर पशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ। किलोहोर्न के अनुसार कालिदास और भवभूति से इसकी तुलना की जा सकती, यानी कि जो इतिहासकार किलहोर्न हैं वो इसकी तुलना किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की तुलना इसके समान बताता है कि विग्रहराज चतुर्थ को, अर्थात कालिदास और भवभूति जो हुए हैं उनके समान इसको बताता है। भाई इतना इंटेलिजेंट था, जिस प्रकार से कालिदास इंटेलिजेंट थे और भवभूति जो इंटेलिजेंट थे उसके समान किसको बताता है? विग्रहराज चतुर्थ। किलहोर्न के अनुसार किलहोर्न किलहोर्न के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ की तुलना विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास वह भवभूति से की जा सकती है। कालिदास अर्थात इनको कोई टक्कर देने वाला था, तो कहा जाता है कि अगर उस जमाने में होता तो इन दोनों को टक्कर देने वाला कौन था? भाई विग्रहराज चतुर्थ इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि इनको टक्कर देने में सफल हो जाता, कि ऐसा कहने वाला कौन था? भाई किलहोर्न थे। और किलहोर्न का मानना था कि इन दोनों के द्वारा कहा जाता है कि इसको टक्कर दी जा सकती थी। चलिए बात करते हैं आगे। विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र माने जाते हैं। पुत्र माने जाते हैं दो पुत्र माने जाते हैं ये विग्रहराज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ। और इसके पुत्र की बात करें, कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई? दो पुत्र थे। तो पहले जगदेव जो अपने पिता को मारकर राजा बना था, एक तो इसका पुत्र था अपारगांगे, अपार गांगे
अपार गंगे एक तो इसका पुत्र था, और दूसरे की बात करें प्यारे दोस्तों कौन था, नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। अपार गंगे और नागार्जुन इसका कहते पुत्र थे। कि मृत्यु के पश्चात जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यहां पर चलेगा बेहतर दोस्तों। इसके पहले जो शासक बना था किसकी बात करें, जगदेव। कौन बना था भाई? इसके पहले जो शासक था, इसके पहले शासक था जगदेव। कौन था? जगदेव। और जगदेव से अपार गांगे ये लड़ता हुआ मारा जाता है। क्या लड़ता हुआ मारा गया? मारा गया कि जगदेव से लड़ता हुआ अपार गांगी क्या है, मारा जाता है। मारा जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों इसकी मृत्यु के पश्चात नागार्जुन भी कहा जाता है कि ऐसे ही खत्म हो जाता है। और इसकी मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है। कौन बनता है भाई? इस कुछ समय के लिए पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है। उसके बाद कौन शासक बनता है? विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है। कुछ समय के लिए बनता है, और कुछ समय के लिए कहा जाता है कि ज्यादा विशेष बातें है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों सोमेश्वर। कौन बनता है? सोमेश्वर शासक बनता है, ठीक है। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद कहा जाता है कि उसका निसंतान इसकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज द्वितीय की। और पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि इसके बाद कौन शासक बनता है, इसका चाचा जो सोमेश्वर है वो शासक बनता है। प्यारे दोस्तों कौन शासक बनता है भाई? सोमेश्वर शासक बन जाता है। और सोमेश्वर भी कहा जाता है 1169 से लेकर 1177 शासन करता है। कहाँ तक शासन करता है भाई? 1169 से लेकर 1177 तक शासन करने वाला कौन माना जाता है? यहाँ पर सोमेश्वर माना जाता है। ये प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है, इसकी उपाधि की बात करें, की बात करें प्यारे दोस्तों उपाधि की बात करें तो ये प्रताप, किसकी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है। कौन धारण करता है भाई? ये सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है। इसके पश्चात बात करें तो कहा जाता है कि सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन किया था। क्या दिया था? सोमेश्वर ने अपने पिता की मूर्ति बनाकर, अपने सोमेश्वर ने सोमेश्वर सोमेश्वर ने अपने पिता की मूर्ति बनाकर, मूर्ति बनाकर नई मूर्ति कला को, नई मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन दिया। क्या दिया भाई? नई मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। किसके बारे में कहा जाता है? ये सोमेश्वर के बारे में कहा जाता है, और सोमेश्वर को तो प्रोत्साहन देते। इसका विवाह की बात करें, ये अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिससे हरिराज और पृथ्वीराज नामक दो पुत्र का जन्म होता है। इसके दिल्ली का शासक हुआ करता था अलंगपाल तोमर। अलंगपाल तोमर का दामाद था ये सोमेश्वर, अर्थात इसका विवाह किससे हुआ था? दिल्ली के तोमर शासक अलंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ था। और कर्पूरी देवी से होने के पश्चात उसके दो पुत्र होते हैं, एक तो पृथ्वीराज एक हरिराज, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं, इसका विवाह विवाह दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी से हुआ, ठीक है।
और इससे दो पुत्र प्राप्त होते हैं। कर्पूरी देवी से कितने पुत्र प्राप्त होते हैं? दो पुत्र। कितने? दो पुत्र प्राप्त होते हैं, एक तो हरिराज दूसरा पृथ्वीराज। दूसरा कौन सा? पृथ्वी राज। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे चलकर कहा जाता है इसके पिता के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? पृथ्वीराज शासक बनता है। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इतिहास जगत में जानते हैं। तो क्या क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी देखते हैं आज क्या क्या देखा हमने। चलेगा, इसका जिक्र करते हैं कि सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा, इससे पहले जगदेव शासक हुआ करता था। जगदेव को कुछ ही समय तक शासक बनता है, अर्णव राज को मारकर शासक बनाता जगदेव, और जगदेव के बाद कौन शासक? उसका पुत्र शासक बना जाता है जगदेव को हटाकर। अब पृथ्वीराज सॉरी विग्रहराज चतुर्थ शासक बन जाता है। कब शासक बनता है भाई? 1158 में शासक बन जाता है। 1158 से लेकर 1163 तक शासक रहता है। कहाँ तक? 1163 तक शासक रहता है। विसल देव कश्मीर इसका उपनाम था, विग्रहराज चतुर्थ का विसल देव उसका उपमान नाम माना जाता है। कटी बांधव या कवि बांधव की उपाधि जो है जयानक के द्वारा दी गई थी। इसका समय चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चौहान वंश का स्वर्णकाल इसका समय कहलाता है। और जिक्र करें, इसने दिल्ली के स्तंभ लेख पर, किस पे प्यारे दोस्तों? दिल्ली का एक स्तंभ लेख था, दिल्ली के स्तंभ लेख पर क्या कुछ लिखवाया था जो कहा जाता है अशोक से संबंधित माना जाता है, उस पर कुछ लिखवाया था। और इसी में हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। तो इसी अभिलेख के अनुसार गजनी के खुसरो शाह को पराजित करता है ये, और गजनी के खुसरो शाह को पराजित करने के पश्चात ही सामंत के रूप में उसको हैंडल करता है। इसके पश्चात हमने देखा था संस्कृत कंठाभरण। इसकी बात करें, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कहाँ पर करवाता है? ये अजमेर में करवाता है। और अजमेर में करवाने के पश्चात मेरे दोस्तों कहा जाता है कि गजनी का गुलाम हुआ सॉरी गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है कहाँ पर? दिल्ली में। और जब गुलाम वंश की स्थापना 1206 में उसके द्वारा कर दी जाती है, उसी के द्वारा कहा जाता है कालांतर में क्या करता है ये? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तुड़वा कर उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवा देता है। और उस मस्जिद को किसके नाम से जानते हैं हम? ढाई दिन के झोपड़ा मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कहा जाता है ढाई दिन में हुआ। जॉन मार्शल मानते हैं कि इसका निर्माण ढाई दिन में हुआ, लेकिन पर्सी ब्राउन मानते हैं कि इसका यहाँ पर पंजाब शाखा या फिर पंजाब शाखा ढाई दिन का उर्स लगता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं भाई? इस कारण इसे ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहते हैं। इसमें 16 खंभे बने हुए, इस कारण इसे 16 खंभा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 16 खंभा महल भी कहते हैं। और 16 खंभा महल के साथ साथ बात करें प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर 16 खंभा मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, इसे 16 खंभा मस्जिद भी कहते हैं। और क्या चर्चाएं की हमने? और चर्चाएं की प्यारे दोस्तों, हरि के लिए नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है। इसकी भाषा संस्कृत मानी जाती है। इसमें कुछ ढाई दिन की झोपड़ा मस्जिद के इसकी कुछ पंक्तियां जो है ढाई दिन की झोपड़ा मस्जिद में लिखी हुई है। और इसकी कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय की समाधि जो ब्रिस्टल में बनी हुई है वहां पर भी इसकी लिखी हुई है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। ललित विग्रहराज चतुर्थ की रचना सोमदेव के द्वारा की जाती है, और पृथ्वीराज रासो की रचना नरपति नाल्ले के द्वारा की जाती है। दोनों में प्रेम कहानियों की जानकारियां मिलती है। किसकी जानकारियां मिलती है हमें? प्रेम कहानियों की जानकारियां मिलती है। और कहा जाता है कि अलग अलग दो दो प्रेम कहानियां की जानकारियां हमें ये दोनों ग्रंथ देते हैं। वो किस किस की? देखिए, इससे संबंधित जो ग्रंथ माने जाते हैं वो कौन कौन से? प्यारे दोस्तों, सोमदेव अर्थात ललित विग्रह राज चतुर्थ सोमदेव ने लिखा। इस ग्रंथ में कहा जाता है कि इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी की बात करें मेरे दोस्तों, देसल देवी। और देसल देवी का प्रेम किसके साथ हुआ करता था? विग्रहराज चतुर्थ के साथ हुआ करता था, ऐसी हमें जानकारी है। किससे? ललित विग्रहराज से। जबकि बात करें कि विसल देव से हमें जानकारी, राजा भोज की पुत्री राजमती, राजमती से इसका प्रेम प्रसंग था, ये जानकारी हमें दूसरे ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से सॉरी विसल देव रासो से मिलती है। चलेगा, अब जो जानकारी प्राप्त होती है हमें कि धर्मगोस सूरी के कहने पर, किसके पैर दोस्तों? धर्मगोस सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ क्या करता है? पशु हत्या पर रोक लगाता है। किस पर रोक लगा देता है भाई? पशु हत्या पर रोक लगा देता है। और इसी के अनुसार कहा जाता है कि जो किलहोर्न है, किलहोर्न जो इतिहासकार हुए हैं, किलहोर्न ने इसकी तुलना अर्थात अर्थात कालिदास और भवभूति को टक्कर देने वाला शासक माना जाए
तो विग्रहराज चतुर्थ को इतना टैलेंट व्यक्ति था भाई, ये रचनाओं के माध्यम से इसको माना जा सकता है। ठीक है, हमने बात की थी कि इसके विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र थे और अपार गांगे को कौन मार देता है, जगदेव मार देता है। मार देने के पश्चात नागार्जुन शासक नहीं बनता, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो पृथ्वी शासक बनता है, पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है, पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता है, कुछ ही समय तक ये शासन करता है और उसके बाद इसको हटा दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका चाचा कहा जाता है, पृथ्वीराज की जो मृत्यु है निसंतान हो जाती है। उसके बाद उसका पृथ्वीराज सेकंड का चाचा सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर शासक बनने के पश्चात ये उपाधि धारण करता है प्रताप लंकेश्वर की। कौन सी उपाधि धारण करता है? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करता है सोमेश्वर। सोमेश्वर की बारे में कहा जाता है कि इसने अनंगपाल के तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह किया था। विवाह करने के पश्चात इसके दो पुत्र होते हैं कर्पूरी देवी की, एक तो हरिराज और एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमने जानकारियां प्राप्त कर ली थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।